तो मैं जब और जो बाकी अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं मैं उनको भी यही बोलूंगी कि आपके प्रीलिम्स का 50 परसेंट पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ कवर करता है तो आप छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बाकी समय बाकी भी करना है आपको बाकी सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है बट बहुत ज़्यादा फोकस छत्तीसगढ़ में करना है आपको प्रिलिम्स निकालना है तो वो बहुत ज़रूरी है और बाकी मेंस के लिए आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए ऐसा नहीं ना कि सिर्फ लिख रहे हैं लिखने के लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए और एक चीज मैं बोलूंगी सर पिछले दो तीन साल से ना एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ये हर जो एग्जाम दे रहे उन्होंने ये नोटिस किया होगा प्रीलिम्स का तो हुआ ही है उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है और आ, बहुत डाटा भी कई बार फोकस कर रहा है तो उसमें आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल से कवर करने की जरूरत है आप ऐसे ऊपरी पढ़कर छोड़कर चले जाओगे या वन लाइनर पढ़कर चले जाओगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है हो सके तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि अपने नोट्स बनाओ अगर आपके पास समय है तो आपके नोट्स किसी भी बुक से बेहतर हो सकते हैं उसको अपग्रेड करते रहो ऐसा नहीं ना कि इस साल एग्ज़ाम देना था बना लिया और हर बार उसी बुक्स को उसी नोट्स को पढ़ना आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस बुक्स को जो भी चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा और वो नोट्स आपको ना सिर्फ प्री में बल्कि मेन्स में भी बहुत काम आएंगे क्योंकि मेन्स में वही चीज़ें हैं बस आपको वो लिखनी है और आपको नॉलेज तो होना पड़ेगा लिखने के लिए उन चीजों को तो बहुत राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है बट सही तरीके से आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है आपको सीधा सीधा सिर्फ थ्योरी पूछा गया है आपको उसको इवेल्युएट करने बोला गया है या आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने बोला गया आपको ये समझना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर आंसर्स को लिखना पड़ेगा कि और क्योंकि ना एक एस्परेंट जब नया आया रहता है ना तो बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं खासकर आपने तो इंग्लिश मीडियम में पूरा दिलाया हुआ है तो जब कोई इंग्लिश मीडियम वाले आते है, हैं कई यहाँ पे हैं एस्परेंट्स तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा मटेरियल यूज करें कौन से कोचिंग से पढ़ें कौन से डायरेक्शन में जाएं तो आपने ये सारी चीज़ें देखी बिल्कुल क्योंकि गे? मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ तो मेरे लिए थोड़ा हिंदी में लिखना पढ़ना समझना मेरे लिए दिक्कत नहीं है बट मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी तो जब मैंने कोचिंग शुरू की तो हिंदी में पढ़ाते थे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मैंने हिंदी में जो भी सर लोगों ने पढ़ाया हर चीज का प्रॉपर नोट्स बना लिया जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया और जब मुझे मेंस लिखना था मैंने अपने नोट्स बनाए ही थे और उसके अलावा जो सर के काम की चीजें जैसे छत्तीसगढ़ आपको कहीं पे भी इंग्लिश में एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल है तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है आप ये तो नहीं कर सकते कि इंडियन इंडियन हिस्ट्री इंग्लिश में लिख लिया छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हिंदी में लिख लिया नहीं आपको नहीं। तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो ना तो अपने वर्ड्स में करो गूगल करके इस तरह से नहीं आप डाउट के लिए देख सकते हो बट फिर भी उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लो क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फिर जब आप उसको पेपर में लिखो तो चेक करने वाले को भी समझ आना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो उनको क्योंकि हिंदी में छत्तीसगढ़ लिखना बहुत

ठीक है प्रेलम से आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है uh, कोई ऐसा नहीं है कि से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं एक चीज़ मैं गारंटी कर सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ फिफ्टी परसेंट पोर्सन आपका फिफ्टी क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से रहेंगे तो आप छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से कीजिए बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से करें बट आपको प्री के लिए ना पूरा साल नहीं देना है आपको साल भर मेन्स के लिए तैयारी करती रहनी है और आपको प्री की तैयारी करनी है अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी

क्या क्या चीजें मुझे कितने समय में कंप्लीट करनी है कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है उन्हें पता नहीं रहता है कि कहां से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है कब पढ़ना है और कई बार ऐसा होता है ना आप लगातार पढ़ते रहते हो आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप सब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस हुआ करते थे वो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से एक एग्जाम एक को क्रैक किया जाता है क्या है वो सही तरीका मल्टीपल एग्जाम यार डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे टाइम कैसे मैनेज करे टालने की प्रवृत्ति को कैसे दूर करे ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो थे ना वो मुझे हमेशा पीछे खींचते रहते थे फिर मुझे एक चीज समझ में आई मैंने बहुतों का इंटरव्यू लिया 200 प्लस इंटरव्यूज लिए ऑफिसर्स 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 के टॉपर्स सीजीपीएससी ऐसे इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज राइट मेथड टू क्रैक एन एग्जामिनेशन और इसी के साथ समझ में आया ना कि एक मेंटर की भूमिका आपके लाइफ में कितनी ज्यादा रहती है मेंटर वो होता है जो आपकी बातों को सुनता है आपके लिए उन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालता है जो आपको समझ में नहीं आता रहता है एक तो सोल्यूशन बताता है ना कोई तब वो आपको वर्क करता है मुझे ये समझ में आया कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है कैसे करना चाहिए टेस्ट सीरीज कब दिलाना चाहिए कैसे दिलाना चाहिए और उससे मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लाना चाहिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा और फाइनली हम लोगों ने मेंटर ज्ञान ज्ञान लॉन्च किया मेंटर्स का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपको हेल्प करता है कि, कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए अलग अलग टाइप के हम लोग आप लोगों के लिए अफोर्डेबल प्लान्स लेके आए जहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो आपको गाइड करते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है कब पढ़ना है, कब पढ़ना है रेगुलरली आपको टारगेट्स देते हैं कि यार इन टारगेट्स को आप करते जाओ और अल्टीमेटली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है कई बार ऐसा नहीं लगता है कि हम टेस्ट में कम ला रहे हैं या कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सब समझ में नहीं आता उस समय पर मेंटर्स ज्ञान के एक्सपर्ट मेंटर्स आपके लिए हेल्प लाते हैं आपकी मदद करते हैं और ये अभी हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी छह महीने हो चुके हैं और सबका फीडबैक जबरदस्त है बहुत सारे फीडबैक्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है और उनको actual help मिला क्योंकि ना एक mentor वो होता है जो आपके अंदर छुपी हुई जो को मेंटेन करके रखो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स और हम लोग इस साल लॉन्च कर रहे हैं अगर आप लोग सीजीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्वेल्व मंथ्स का एक मास्टर प्लान चाहिए वीकली अपडेट्स के साथ हर दस दिन में आपको टारगेट मिलेगा कॉल मिलेगा इसके लिए आपके पास एक वन ट्रिपल नाइन रुपीज का एक प्लान हम लोग लेके आ रहे हैं डिटेल्स आपको पर सामने शो होंगी और अगर आप डेली मोटिवेशन चाहते हैं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको डेली मोटिवेट होना रहता है डेली जानना रहता है कि क्या पढ़ना है सर डेली अपडेट चाहिए रहता है वो लोगों के लिए भी हम लोग प्लान लेके आए हैं सिक्स ट्रिपल नाइन रुपीज में बहुत अच्छा फीडबैक है और ना यार ये सारी चीजें ना एक इन्वेस्टमेंट है ठीक है हम लोगों के पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे पर अगर आप ना सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहते हैं ना कि मैंटर ज्ञान का मेंटरशिप प्रोग्राम कैसा है कैसे वो पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट है तो आप नाइनटी नाइन रुपीज में भी एक सेशन बुक कर सकते हैं तो अगर आप सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए आप सेशन लेके जरूर ट्राई कर सकते हैं एंड एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और अगर पसंद न आए तो आपके पैसे रिफंड भी हो जाएंगे ठीक है अगर आप इनमें से कोई भी मेंटरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने डाउट्स वहां पर बताइए हम लोगों को ताकि हम आपके लिए एक सेशन अरेंज कर सकें और आप गाइडेंस ले सकें नाइनटी नाइन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो उन सारे बेनिफिट्स का इस्तेमाल करिए एंड आइए ज्वाइन करिए मेंटर्स ज्ञान के साथ नॉट ओनली के लिए बट मेन्स के लिए भी क्योंकि कई पेपर हैं जैसे तो पेपर सेवन पेपर टू पेपर फोर ये सब करंट अफेयर्स से पूछ लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स को साल भर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं

जब आप पेपर बनाते हैं प्रीलिम्स का तो आप लिख दिखते मार्क करना नहीं शुरू करते आप क्या करते हैं रीड करते हैं पहले, पेपर का तो जब आप पेपर रीड करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि पेपर का लेवल क्या है अगर आपको लगता है पेपर ईजी है बहुत ज्यादा इजी है तो भी आपको उतने ही क्वेश्चन बनाने हैं जितने आपको आते हैं क्योंकि आप ज्यादा अटेम्प करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है पेपर बहुत हार्ड है तो भी आपको उतने ही बनाने हैं जितने बन रहे हैं क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा पेपर मॉडरेट है तो आप थोड़ा सा फ्लुक कर सकते हो बट सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करनी चाहिए तुक्का तो बिल्कुल नहीं माना चाहिए क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि सही हो क्योंकि आपने गलती की। हाँ मैंने ये गलती की और ये मैंने सेकेंड में सुधारा था सेकेंड टाइम मेरा प्रीलिम्स निकलने का यही था मैंने पहली बार में कुछ नाइन्टी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और मेरे बहुत सारे गलत हो गए थे सेकेंड में मुझे सेवेंटी फोर बने छत्तीसगढ़ जीएस नहीं, तो नहीं बन रहा था मुझे सिर्फ 15 बने। मैंने सिर्फ 15 बनाए उसके आगे मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि पेपर डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा बट एक डर था कि ये ये भी निकलेगा या नहीं क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से जो चीज़ सही हो वो नहीं भी हो सकती है कई बार तो ये डर तो था बट मैं यही कहूंगी कि कभी भी फ्लू के हिसाब से अपना प्रिलिम्स नहीं देना चाहिए आपको बहुत एक्यूरेटली पेपर को करना है कि पेपर इजी है मॉडरेट है या हार्ड है ईजी और मॉडरेट में तो कभी भी तुक्का नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएंगे ओके okay, ओके okay. इसके बारे में बताइए इंग्लिश मीडियम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर टू के लिए जब आप प्रिलिम्स में दिलाते हैं हिंदी छत्तीसगढ़ी तो उसको आप कैसे तैयारी किया करते थे सर uh, so मैं जब प्रम्स uh, की प्रिपरेशन करती हूँ है आपको इंग्लिश में बन जाएगा बट मैं छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन हिंदी में ही पढ़ के जाती के लिए पर्टिकुलरली मैं हिंदी में ही पढ़ के जाती हूँ सारी हिंदी में है और मैंने मेंस के लिए अपने नोट्स बना कर रखे हुए हैं तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इंग्लिश में मेरे पास नोट्स हैं मुझे वो पढ़ लेना है बट प्रम्स में कोशिश करती हूँ कि हिंदी में ही ओके कौन से छत्तीसगढ़ के मैं किसी भी एडवाइस करूंगी जो भी प्रिपेयर करेंगे जैसे एनसीआर की बुक्स बुक्स हो गई या जो स्टैंडर्ड होती हैं बट यहाँ पर्टिकुलरली कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है मैंने तो सिर्फ नोट्स बनाकर प्रिपरेशन की हुई है बट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं तो उनसे बोलती हूँ की आप जो भी बुक लो स्टैंडर्ड लो कोई भी लोकल बुक से कभी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और वो गारंटीड क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं बिल्कुल नहीं आएंगे तो आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक्स ही प्रेफर करनी है ओके okay. और जैसे एक प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मतलब मुझे मिल रहे हैं जिन लोगों को जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है आपको कैसा लगता था वो सब टॉपिक और बाकियों को कैसे सजेस्ट करेंगे क्योंकि मैं इंजीनियरिंग वाली हूँ तो मैथ्स मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है बट मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ टॉप नहीं करना आपको प्रीलिम्स में टॉप करना ही नहीं है तो आप क्यों कितनी मेहनत कर रहे हो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है तो आप उतना ही बनाओ जितना आपका कट ऑफ निकल जाए

कई बार ऐसा भी रहता है ना कि वो मॉडल आंसर भी गलत आता है या कई बार हो जाता है कि मॉडल आंसर गलत आता है बट आपत्ति तो कर सकते हैं फिर भी आप हम्म हम्म ओके फिर मेंस के लिए कैसे करना चाहिए पहले तो उन लोगों को आप टिप्स दे दीजिए जो इस साल दिलाने वाले हैं कि किन चीजों का बिल्कुल ध्यान दिलाएं हां Uh, मैं मेन सालों को तो यही सजेस्ट uh, करूंगी कि आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाइए क्योंकि आपका पेपर सेवन पूरा करंट अफेयर्स से उठाता है वो साल भर में जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनाएंगे चाहे वो स्कीम्स हो आपके इंस्टीट्यूट हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव आए हुए हैं वो करंट अफेयर्स होंगे पेपर टू करंट अफेयर्स हैं हिंदी तो आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर वन लैंग्वेज जो है वो आपको अच्छे से करना है क्योंकि ग्रामर है और वो बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है और इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था तो बहुत मुश्किल से नंबर्स मिल रहे थे लोगों को तो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लैंग्वेज वाले पेपर में okay, okay. और पेपर थ्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हिस्ट्री है और यूजुअली लिखने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं बहुत कम हो जाता है तो इसके लिए डिसअपॉइंट नहीं होना आपको अपना कवर अप करना पड़ेगा पेपर फोर में क्योंकि साइंस में आपके नंबर बन जाते हैं पेपर सिक्स जो है फिलोसफी सोशियोलॉजी फिलोसफी आपको बहुत अच्छे से समझ के लिखना है अपने वर्ड्स में सोशियोलॉजी मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि फिलोसफी और सोशियोलॉजी जहां तक हो सके अपने वर्ड्स में आप लिखें क्योंकि वो फायदेमंद करता है और पॉइंट्स में लिखें okay. क्योंकि वो आपको हेल्पफुल करता है और अगर आप डायग्राम्स कहीं पे बना सकते हैं तो फिलासफी को इंटरेस्टिंग करने के लिए तो yeah. वो भी प्रेफर करेंगे